ना बापू, मुझे गुड़िया चाहिए। बेटा आज नहीं, दूसरे दिन लेते हैं। बापू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मम्मी ना अभी 40 दिन तक मिला है, बापू फिर कभी दे आते। आजा आजा वहां पिला, चल पूछ दे। बापू हमें झूले में बैठ सकते हैं? हाँ बेटा आजा चल। इतनी खुश है ना हमारे बच्चे, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो गुड़िया भी दिला देते। आप चिंता मत कीजिए, मम्मी ना समझदार है। हम घर जाके आते हैं, रात में रुकने के लिए चादर और बिछौना लेते आएंगे। सुबह का खाना भी रखा है ढककर, वो भी ले आना, रात को काम आएगा। हम यहीं पर ममीना के पास हैं। ठीक है, हम जल्दी आते हैं। बच्ची को देखा है? इतनी सी है, सौली सी। नहीं बहन जी, मैं तो नहीं देखा। ममीना, 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 ममीना। क्या हुआ बहन जी, किसे ढूंढ रही हो? वो हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। हम बस 10 मिनट के लिए बाहर गए थे। नहीं मिल रही है, रुकिए हम ही देखते। ममीना, 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 बिटिया, ममीना, ममीना, बिटिया, ममीना, 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 क्या हुआ फुलिया, तू रो कह रही है? मम्मी ने मिल नहीं रही है। क्या? हमने सब जगह देख लिया, रो कहीं नहीं क्या? मिली। झारखंड के खूंटी गांव में खुशनुमा माहौल था और गांव के लोगों की इस खुशी का कारण था वो मेला, जिसे वो हर 7 साल में एक बार बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। ये मेला जो गांव वालों के लिए हर 7 साल में खुशियों का कारण था, इस बार वो एक माता पिता के लिए बहुत बड़े सदमे का कारण बनने वाला था। गांव में हुए हमले के बाद ममीना को एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके माँ बाप बच्ची की हालत की वजह से पहले से ही डरे हुए थे, लेकिन वो तब सन रह गए जब भरी दोपहर में ममीना अपने बिस्तर से गायब हो गई। इन सभी सवालों के साथ बिरंची और फूलिया पहुंचे शहर के DSP विनोद तिवारी के पास। सर? यस मीरा, कम इन। मीरा, ये बिरांची और फुलिया हैं। आज सुबह कुंती गांव के मेले में जो हमला हुआ था उनमें इनकी बच्ची घायल हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब वो बच्ची मिल नहीं रही।
मैं स्पेशली ये केस तुम्हें देना चाहता हूँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, आई डोंट केयर, मुझे वो बच्ची चाहिए। यस सर। देखिए आप लोग भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? सर मुझे इसके लिए एक अलग टीम तैयार करनी पड़ेगी, और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल के आसपास के इलाके को छानना चाहती हूँ। प्रोसीड। थैंक यू सर। मुझे तो कुछ देर पहले ही पता चला कि हॉस्पिटल से एक बच्ची गायब है। बच्ची बहुत ही घायल थी, तो मैंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी। वो साहू से कह दिया था उसकी देखभाल के लिए। जी सर, आपने बुलाया मुझे। साहू, यहाँ इस बेड पर आज एक बच्ची एडमिट हुई थी, ममीना। कहाँ है वो? मैडम जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं एक दूसरे काम में बिजी था और तभी मैंने देखा कि ममीना। ममीना! क्या हुआ बहन जी? हमारी बच्ची ममीना, वो मिल नहीं रही है। रुकी, हम भी देखते हैं। आई ममीना, 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 ममीना। मैडम जी जैसे ही मुझे पता चला कि बच्ची खो गई है, मैं भी उसके माँ के साथ उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मुझे ऐसा लगता है कि बच्ची हॉस्पिटल के बाहर अपने माँ बाप को ढूंढते हुए गई होगी और खो गई होगी। एक काम करो, हॉस्पिटल के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारो, अगर बच्ची बाहर गई है तो वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, नजदीकी कहीं मिलेगी। कम ऑन क्विकली मूव। मैडम, हमने यहाँ पे आसपास के सभी इलाकों को सर्च कर लिया है, यहाँ पे उस बच्ची को किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे भी ममीना को बाहर घूमते हुए किसी ने नहीं देखा। इस रजिस्टर में उन सारे पेशेंट्स और विजिटर्स के डिटेल्स हैं जो आज इस हॉस्पिटल में थे, कोई बच तो नहीं गया? मैडम एक बच्चा बचा है। आप लोग घर जा सकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चे को? मैडम बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, ममीना जिस वार्ड में थी, क्या ये बच्चा उस टाइम उसी वार्ड में था? जी हाँ मैडम। बेटा, आपके कमरे में एक दीदी थी, उसका नाम ममीना है, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ देखा है। अच्छा बेटा, आपने उन्हें लास्ट कब देखा था? साहू अंकल जब भी कचरा लेने आए थे तभी दीदी को लास्ट टाइम देखा। क्या रे साहू, फुलिया के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढ रहा था या किसी और के साथ मिलकर बच्ची गायब कर रहा था? मैडम आप ही क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थाने चल, समझ आ जाएगा। साहब जी मैंने कुछ नहीं, मैडम मैंने कुछ नहीं किया। मैडम साहब जी विश्वास कीजिए। क्या मनु, कैसा बकराईद के लिए बकरे खरीद लिए? अरे नहीं उस्मान भाई, अभी कहाँ। अच्छा भाई, हम तो इस बार 5 खस्सी काटेंगे, खूब खिला पिला रहे हैं। लाओ फिर अपना वाला थैला लाओ। मैडम अगल अगल घर पे नहीं मिला, उसके घर से भी कुछ नहीं मिला, आसपास पूछताछ की है। जैसा थैला साहू ने बताया था, ऐसा कोई कूड़े का थैला मगललाल को ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने खुद कूड़ेदान चेक किया, खाली था। मैडम विक्रम, तुम इमीडिएटली स्केच आर्टिस्ट के साथ हॉस्पिटल जाओ और वहाँ आसपास के लोगों की मदद से मगन की स्केच तैयार करवाओ। हमें जल्द से जल्द मगन को ढूंढना होगा, तभी पता चल पाएगा कि ममीना कहाँ है। ओके मैडम। हमारी ममीना कहाँ है, कुछ पता चला? मेला देखने गए थे, अब एक ही बिटिया है हमारी,
उसके बिना हम नहीं रह सकते भाई। हमारे हमारी ममीना को कहीं से भी खोज के ला दीजिए। देखिए प्लीज आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढने की। कैसा माल लाए हो इस बार? अरे अभी दिखाते हैं, माल कभी खराब हुआ है क्या? लाबे निकाल। ये ले, तीनों को मिलाकर 1.5 लाख हुई है। अच्छा भाई फिर मिलेंगे, खबर करवा दूंगा। विक्रम, हर जगह इस मगन की फोटो इमीडिएटली भिजवाओ। हर नाकाबंदी पर भी इसकी फोटो होनी चाहिए। हो सकता है कि लड़कियों को लेकर भागने की कोशिश करे। साहू ने हमें बताया था कि उसने पहले भी बच्चियों को गायब करके मगन के हाथों बेचा था। अगर ये काम बार बार हो रहा है तो ये खेल जरूर बहुत बड़ा है और साहू इसमें सिर्फ एक मौरा है। हमें शतरंज के खेल की तरह इस खेल में भी असली खिलाड़ी तक पहुँचना पड़ेगा। खैर, कुछ पता चला कि वो कचरे का डब्बा कितने बजे खाली हुआ था? मैडम कचरे का डब्बा 2 बजे खाली हुआ था और ममीना भी तकरीबन 2 बजे ही गायब हुई है। साहू ने ममीना को एक कचरे के थैले में डालकर मगन को दे दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगन अकेले इतने बड़े कचरे के थैले के साथ एक भीड़ भाड़ वाले जगह में से अकेले ना जा पाया हो और इसीलिए उसने किसी ट्रक का सहारा लिया हो। एक काम करते हैं, जहाँ पे ये कचरे के थैले डंप होते हैं ना, वहाँ पे जाके पता करते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ा एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट हो और ये सारे ट्रक वाले उसमें इन्वॉल्व हों। मैडम 4 या 5 बजे के आसपास तो मोनू आता है अपनी गाड़ी लेकर यहाँ कचरा फेंकने। गाड़ी का नंबर है? हाँ मैंने लिखा हुआ है, JH03VE4332। विक्रम मुझे ये मोनू 1 घंटे के अंदर मेरे सामने चाहिए। ओके मैडम। बाहर निकालो सबको। चलो अभी नहा धो के चकाचक तो हो गई हो तुम लोग, अभी खाओ पियो और सो जाओ क्योंकि रात को हमें एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। ठीक है? हम लोग कहाँ पर हैं? आप कौन हो? तो अभी नहीं आई है ना? थोड़ा सवाल जवाब आगे के लिए भी बचा के रख, वरना सरप्राइज खत्म हो जाएगा ना। इसका मतलब विक्रम जितना हम सोच रहे थे खेलों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तुम एक काम करो, इस मोनू को लेकर उस उस्मान की स्केच तैयार करवाओ और साथ ही मुझे उस्मान की पूरी जन्म कुंडली चाहिए। ओके मैडम। मैडम हमारी बच्ची का कुछ पता चले? देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं ममीना को ढूंढने की, आप लोग भरोसा रखिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ आपकी बेटी बहुत जल्द आप लोगों के साथ होगी। हम लोग की जान बचती है उसमें, हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते। मैडम मैंने यहाँ अच्छे से हॉस्पिटल चेक कर लिया है, यहाँ कभी कोई बच्चा गायब हुआ ही नहीं। हाँ विक्रम मुझे यहाँ भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला है और अब तक इस मगन का भी कुछ पता नहीं चला है।
इंस्पेक्टर मीरा ममीना को ढूंढने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही थी, लेकिन ममीना के गायब होने का राज और गहरा होता जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो नाम सामने आए, साहू और मगनलाल। लेकिन इंस्पेक्टर मीरा ने जिस खेल को समझना शुरू ही किया था, उस खेल के असली खलनायक कहीं और ही बैठे थे। वक्त के साथ साथ ममीना पर खतरा बढ़ता जा रहा था। जिन बैग्स और बच्चों के बारे में पुलिस को मोनू से पता चला था, उनका उन हॉस्पिटल्स में नामो निशान तक नहीं था। और ऐसे में पुलिस के सामने एक और नाम आया, उस्मान मिर्जा। और अब पुलिस ने उस्मान को खोजने के सारे प्रयास शुरू कर दिया। मैडम, ये रहा उस्मान का स्केच। विक्रम, हमें यहाँ के हर कबाड़ी वाले से बात करनी होगी। कहीं ना कहीं उस्मान जरूर आता आएगा। देखो, अब तक हमें उन हॉस्पिटल से कुछ नहीं पता चला, क्योंकि उनके हिसाब से उनका रिकॉर्ड साफ है। तुम एक काम करो, तुम मोनू को लेकर फिर से उन सारे हॉस्पिटल्स में जाओ। मोनू जरूर उन लोगों को पहचान लेगा जो उसे ये बैग्स दिया करते थे। ओके मैडम। नहीं साहब, इनमें से कोई नहीं है। नाम क्या था उस आदमी का? आकाश। हाँ सर, इस नाम का क्लीनर तो है यहाँ, पर आज आया नहीं। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो डॉक्टर सुशांत है, पर वो सिर्फ यहाँ मंडे को ही आते, क्योंकि उनको अलग अलग हॉस्पिटल में जाना होता है। आज इस वक्त वो शायद सरस्वती हॉस्पिटल में होंगे। भैया, यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा? एकदम नजर बंद हो गए हैं। ठंडे रहो, बहुत जल्दी तुम आजाद होंगे। गुरुजी प्रणाम, अब हम चलते हैं। प्रणाम, आइए। जी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मैं वहां मंडे के मंडे ही जा पाता हूँ। रोज कई हॉस्पिटल्स में विजिट करने होते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इस गांव जैसे इलाकों में डॉक्टर्स की कितनी कमी है। हमारी कोशिश है कि हम इलाकों में घूम घूम कर लोगों में बीमारियों के प्रति जागरूकता पैदा करें, और यही वजह है कि मैंने सरकारी डॉक्टर बनकर ये काम करना जरूरी समझा। गाँव में ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे मरीजों को मुफ्त दवाइयां और इलाज उपलब्ध कराएं। दरअसल ये कई बच्चों के गायब होने का मामला है, और इसके लिए हम हर जरूरी कदम उठा रहे हैं। और जो शख्स हमारे हाथ लगा है, उसने भी हमें यही बताया कि आपके हॉस्पिटल से उसने बच्चे चुरा कर उन लोगों को बेचे, इसलिए हमें ये पूछताछ जरूरी समझी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई एम्प्लॉय इसमें शामिल होगा। ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है, और हमारे हॉस्पिटल से बच्चे अगवा भी नहीं किए गए हैं। हाँ, हॉस्पिटल के आसपास जरूर बच्चे खेलते रहते हैं, हो सकता है उनमें से किसी को अगवा किया हो। मैडम, मैं डॉक्टर सुशांत से मिला, बातचीत से काफ़ी अच्छे इंसान लगे, जनित के काम भी करते हैं। मैडम, उनके हिसाब से उनके हॉस्पिटल से ये बच्चे गायब नहीं हुए। विक्रम, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कूड़े का सामान खरीदते बेचते हैं, उसमें से एक उस्मान को जानता था। उसने ये कहा कि एक वक्त ऐसा था जब उस्मान सड़क पर से प्लास्टिक के बॉटल्स चुनकर बेचता था, और आज उस पर पैसों की बारिश हो रही है। उसे उस्मान के घर का पता तो नहीं मालूम, लेकिन उससे मुझे उस्मान के दुकान का एड्रेस मिल गया है। फौरन एक टीम तैयार करो, हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। ओके मैडम। मैडम, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
गैराज तेरा है? हाँ। इस आदमी को कहीं देखा है? तुम्हारे गैराज में गाड़ी ठीक करवाने आया था। हाँ ये आया था गैरेज पे। इसका नंबर है? हाँ नंबर है, डिलीवरी के टाइम उन्होंने मुझे फोन किया था। निकालो। चलो प्रेत चलो। अभी नहा धो लो, खा पी लो और ज्यादा चींचा नहीं। खा पी कर चुपचाप सो जाओ, तो फिर इतने नाटक करने की जरूरत क्या थी? प्यार से हमारी बात मान जाओ, वरना में और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। मैडम उस्मान की कॉल डिटेल आ चुकी है, यही मानेर गांव में छुपा बैठा है। इमीडिएटली मानेर के लिए निकलते हैं, मूव। चल घर और टेम्पो चेक करो इसका। मैंने क्या किया? चल मैडम। इस केस में आया हर मोड़ चौंका देने वाला था, जो इस केस को एक अप्रत्याशित दिशा में ले जा रहा था। पुलिस जिस उस्मान मिर्जा की तलाश कर रही थी वो उस तक पहुंचे तो थे, लेकिन वहां उन्हें मिली मगनलाल और दो और लोगों की लाशें। ये वो लोग थे जो बाकी के हॉस्पिटल से मोनू को लड़कियां सप्लाई करने का काम करते थे। इन तीनों की मौत इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि यह संगठन कोई आम संगठन नहीं है। आखिर यह माजरा था क्या? क्या इन तीनों को मिर्जा ने मारा था? क्या होने वाला था ममीना के साथ? आखिर कहां थी ममीना और क्या हुआ था ममीना के साथ? मैं वो लड़की प्रमोद को देता था, पर वहां का सर मैंने पहले लड़की पर नहीं मारा। मुझे तो प्रमोद ने बोला था कि उन लोगों की लाशों को उठा के कहीं ठिकाने लगा दूं। इन लड़कियों को किस गिरोह के लिए उठाता था तू? मैडम मेरा काम सिर्फ बच्चियों को आगे पहुंचाने का था, फिर किसके पास जाती थी मुझे नहीं पता मैडम। हाँ बस इतना बताया कि उन्हें किसी फार्म हाउस में रखते थे, फिर वहां से कहीं और लेके जाते थे मैडम। सर जिन लोगों की बॉडीज हमें उस्मान के घर के बाहर टेम्पो में मिली थी उन सबको खाने में जहर देकर मार डाला गया था। उस्मान से इतना तो पता चला है कि उनको ये बॉडीज ठिकाने लगाने के लिए किसी प्रमोद ने बोला था। हो सकता है ये प्रमोद भी इन सब में शामिल हो। सर मुझे तो ये सब एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का काम लग रहा है। इस लेवल की प्लानिंग, इस सफाई के साथ एग्जीक्यूशन। ये ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी चला रहा है नो डाउट बहुत शातिर है, वरना अपने ही लोगों को खत्म कर देना इट्स नॉट एन इजी थिंग। इस केस में उस्मान हमारे पास एक कड़ी है, वो सिर्फ एक प्यादा है। इसके पीछे के असली चेहरे से हम लोग बहुत दूर हैं। सर उस चेहरे तक पहुंचने के लिए हमें उनके प्यादों में अपना एक प्यादा घुसाना होगा और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है, पर व्हाट्स द प्लान? ये तो बहुत रिस्की। सर इस वक्त हमारे पास उन बच्चों से बढ़कर और कोई बड़ा रिस्क है नहीं। ममीना और बाकी बच्चियों के घर वालों के साथ हम आंख से आंख मिलाकर देख नहीं पाएंगे। अगर उनमें से किसी भी एक बच्ची को कुछ भी हो गया तो मुझे एक गुड़िया चाहिए। आज नहीं, दूसरे दिन ले लेते। बापू पर मुझे गुड़िया चाहिए। मेरा एक काम करेगा, तेरी सजा कम करवा दूंगी। हाँ मैडम,
आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक लड़की है, बेचेगा? यही आता है ना हर बार, या कोई और भी अड्डा है तुम लोगों का? नहीं मैडम, आएगा वो, यहीं पे आएगा। क्या है उस्मान, ये क्या है? आज हॉस्पिटल से कोई माल नहीं? नहीं भाई, भाई पर ये है ना, इसके ससुर ने इसको बेच दिया। क्या है ना, इसका पति नशेड़ी था, मर गया पीपी के। चलो खा पी लो और जाके सो जाओ, रात में हमें जाना है बहुत दूर। हाँ माल आ चुका है, डिलीवरी आज रात में। जाने आई हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो ध्यान से। बाहर पुलिस खड़ी है, वो इन बदमाशों को पकड़ लेगी, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग सब एक एक करके धीरे धीरे छत तक जाएंगे, ठीक है ना? देखो घबराओ मत, मैं हूं ना। इन लोगों ने खुद ही अपनी जान ली है, मीरा और बच्चों को इन लोगों ने यही कहीं छुपा रखा है। विक्रम पूरे घर की तलाशी लो। सर।
ममीना और बाकी की बच्चियों को वापस लाने के लिए मीरा ने खुद को मिर्जा के हाथों बिकवाया। उसका उठाया गया एक कदम एक मिसाल था, लेकिन मीरा को इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि वो अपने आप को कितने बड़े खतरे में डाल रही थी। लेकिन इससे पहले कि मीरा बाहर खड़ी अपनी टीम को कोई भी सिग्नल दे पाती और डीएसपी विनोद तिवारी अंदर आकर उन सभी को बचा पाते, मीरा और बाकी की बच्चियों को जंगल के रास्ते किसी और जगह के लिए रवाना कर दिया गया। अब जहां मीरा को लाया गया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वहां पहुंचते ही मीरा को पता चल चुका था कि उसका मुकाबला किसी आम चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह से नहीं बल्कि झारखंड के कुख्यात अपराधियों से है। कभी कभी तो हम सोचते हैं तुम में इतनी ताकत आती कहां से है? ताकत आती नहीं, पैदा की जाती। वैसे हमारी ताकत पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तो क्या जो कुछ भी हम तुम्हारे लिए करते हैं वो सिर्फ तुम में एक ताकत पैदा करता है? उसकी वजह से क्या हम कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते? घोड़े के पैर में अगर कील ठोक दी जाए वो दौड़ना तो दूर, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता है। पर तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वो हमारे ग्रोह के लिए कील साबित होगा, हमारे ग्रोह की बर्बादी में ठोकी हुई आखिरी कील। पर हमारा तो बहुत मन होता है कि हमारा भी एक बच्चा हो, अब चाहे वो कील ही क्यों ना साबित हो, ये दर्द भी हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगा। पूर्णिमा, इंसान की आबादी और बर्बादी के पीछे दो ही कारण होते हैं, या तो वो वक्त को काबू में कर ले या खुद वक्त के काबू में आ जाए। और करण को तो आज तक वक्त भी काबू में नहीं कर पाया, तो कोई और चीज भला क्या है। उनको माफ कीजिए, हम बाद में आते हैं। सिर्फ तुम बाद में आना। सर ये रेडियो मॉडम जो हमें फार्म हाउस से मिला है रक्सली से अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर इसकी पावर 300 मेगाहर्ट्ज़ है। फिलहाल इन्होंने अपने रेडियो मॉडम्स को चेंज किया है जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक बातचीत कर सकते हैं। सर हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से इन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा। शुरुआत में हमें ये लगा था कि ये केस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गैंग का होगा, पर अब केस काफ़ी सीरियस हो चुका है। इस केस का कनेक्शन रक्सलियों से है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे सरकार से स्पेशल परमिशन लेना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद की भी जरूरत हो। तब तक तुम इस मॉडम पे नजर रखो, हो सकता है मीरा हमें कोई सिग्नल भेजने की कोशिश कर या फिर हम उनके कोई सिग्नल को कैच कर पाए। राइट सर। ममीना, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाने आई हूँ। तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, पर तुम्हारे अम्मा बापू जी अभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे अम्मा बापू जी वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप कौन हो? समझ लो मैं एक दीदी हूँ और तुम्हारी दीदी तुमसे कह रही है कि अब तुम्हारे साथ और कुछ नहीं होगा। चलो, हुकुम ने तुम लोगों को बुलाया। तुम्हारी जगह यहाँ भीड़ में नहीं, कहीं और। कनन जो कि इस पूरे उग्रवादी गिरोह का मुखिया था, उसने इन बच्चियों को सिर्फ इसलिए अपने कब्जे में रखा था ताकि वो उन्हें अपनी भूख का शिकार बना सके। जो कुछ भी वो कर रहा था उसे बयां करने के लिए अमानवीय शब्द भी छोटा था। उसकी सोच घटिया थी और उसकी ये धारणा बिल्कुल गलत थी कि बंदूक की नोक पर वो जो चाहे करवा सकता है। मीरा अब इस गिरोह में थी, खतरा बहुत था, लेकिन मीरा डरने वालों में से नहीं थी। पर क्या मीरा अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मीरा इन मासूम बच्चियों को बचा पाएगी? क्या कनन को उसके किए की सजा मिलेगी?
तो मीरा मैडम की आवाज है। इसका मतलब मीरा मैडम सेफ है। ये लोकेशन कहाँ पर है? एक सेकंड सर। सही, ये सिग्नल तो भानगंज जंगल से है, यहाँ से 9 किलोमीटर दूर। विक्रम, जल्दी से सारी फोर्स को रेडी करो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। सर। कहाँ गई थी तू? बस यही नीचे। मीरा को हुकुम ने बुलाया है। आपने बुलाया? अब तक मेरे दिमाग पर सिर्फ मौत का नशा था, पर जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ये महक, लगता है तुम मौत से भी बड़ा राज हो। कन्नन हमेशा ऐसे दर्शाता था जैसे कि वो बहुत निडर है, लेकिन जो इंसान छुपने के लिए छोटी मासूम बच्चियों का सहारा ले वो कभी भी निडर नहीं हो सकता। जो कुछ भी कन्नन कर रहा था वो एक बीमार दिमाग की उपज थी, और इस बीमारी को काबू में पाने के लिए मीरा ने उसका विश्वास जीतना शुरू कर दिया, क्योंकि मीरा अच्छी तरह से जानती थी कि जितना कन्नन उस पर विश्वास करेगा मीरा के लिए उसे हराना उतना ही आसान होगा। मीरा, ये लड़कियां हमारी ढाल तो थीं, लेकिन आज तुम्हारे दिमाग ने तलवार का काम किया है। सिर्फ लड़कियों के सहारे वहां से निकलना बहुत मुश्किल था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगी। हमें इन लड़कियों को सुरक्षित रखना होगा, बिल्कुल सुरक्षित, कम से कम तब तक जब तक ये सब कुछ शांत न हो जाए। मेरी मानिए तो अपने आदमियों से कहकर इनका उठना बैठना अलग करवा दीजिए। कहीं इनके साथ किए गए जोर जबरदस्ती की वजह से इनमें से किसी एक की भी तबीयत बिगड़ गई तो हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इन लड़कियों को अगर हम ठीक रखें तो इन्हें हम आगे भी ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मीरा। जब तक मैं पुलिस वालों से अपने लोगों की मौत का बदला नहीं लेता तब तक इन लड़कियों को अपनी ढाल बनाकर रखना होगा। इनका जिंदा रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर, सर हमने उनके अड्डे को अच्छे से खंगाला है। सर वहाँ काफी मात्रा में दवाइयाँ मिली है, जैसे प्रेगनेंसी प्रोटेक्शन पिल्स। सर वहाँ हथियार तो कोई नहीं मिला, शायद हथियार वो अपने साथ ही ले गए। सर वहाँ एक सैटेलाइट फोन मिला है, वो फोन मैंने इंटेलिजेंस टीम को दे दिया। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि रक्सली उस फोन से किसे फोन किया करते थे। रक्सलियों को भारी मात्रा में आर्म्स प्रोवाइड करने वाला तो हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम उनके इस सोर्स को खत्म कर दें तो शायद इनके साथ साथ कई और गैंग्स को भी पकड़ने में हमें मदद मिलेगी। हुकुम पुलिस प्रमोद तक पहुंच चुकी है, और उस्मान को भी ना कई बार पुलिस की गाड़ी में देखे हैं। हमको तो लग रहा है उस्मान के ही रास्ते प्रमोद तक पहुंची होगी पुलिस। उस्मान को कहां छुपा कर रखा उन लोगों ने? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आओ। उस्मान का कुछ पता चला? मैं गांव के हर दरवाजे पर पोलियो की दवा पिलाने के बहाने गया। जो मुझे फोटो दी गई थी उस तरह का एक आदमी मुझे एक घर में दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ दो लोग और थे, और लग रहा था वो पुलिस वाले हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम साहब। हमारी मम्मी ना कब आएगी? कैसी है वो? किस हालत में? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, और हमारी ऑफिसर मीरा के साथ में। अब इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ और नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। मीरा दिन रात उसके साथ है और उसे वापस लाने में लगी हुई। साहब, और कब तक हमें ऐसे रहना पड़ेगा? पता नहीं, डीएसपी साहब को लगता है कि तुम नक्सलों के निशाने। हेलो।
सर, सर लाश पर से चिट्ठी मिली है। जो भी मेरे खिलाफ पुलिस का साथ देगा उसका हाल यही होगा। विक्रम, एक टीम तैयार करो। इस वक्त इस गांव में दहशत का माहौल है और हमारे होते हुए दहशत का माहौल नहीं रहना चाहिए। हुकुम, हुकुम। पुलिस मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, लेकिन सच तो यह है कि वो लोग खुद गड्ढे में जा गिरे। पूर्णिमा, मैं चाहता था कि मुझे वो सारे पुलिस वाले एक साथ मिले जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है, क्योंकि गीदड़ों का शिकार झुंड में करने में मजा आता है। और ठीक वैसा ही हुआ। मैंने उस्मान को मारकर एक तीर छोड़ा था, उन्होंने हमारे दो मारे थे। दो के बदले उनके 20 मारूंगा ताकि उन्हें भी पता चले कनन चीज क्या है। पुलिस की नसों में खून नहीं, कनन के नाम का खौफ दौड़ेगा। और पूर्णिमा, इस बार मेरे साथ मीरा भी होगी। कनन अपना जाल बिछा चुका था और उसके इरादे काफी खतरनाक थे, पर मीरा वहां उसके साथ रहकर उन मासूम बच्चियों को बचाने की तरकीब सोचने में लगी थी। बड़ा सवाल यह था कि अब तक अपनी चालाकी से बचता आया कनन क्या इस बार पुलिस की गिरफ्त में आ पाएगा या वो फिर से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगा। और इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से उनका इस खेल में पलड़ा भारी हो गया। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। सुशांत, एक दवाइयों की लिस्ट बना ले जो गहरे घाव और दर्द में आराम देती, क्योंकि तेरा खेल अब खत्म। पहली बार जब तुझे प्रणाम करते सुना था तो ध्यान नहीं दिया, पर तेरे कॉल डिटेल्स ने तेरे राम, प्रणाम, सलाम सबका मतलब समझा दिया। रक्सलियों से मिला हुआ ना तू? तेरे कोड वर्ड से ना ये उनसे बात करने के लिए। चल, अब कुछ कोड वर्ड्स हम भी तुझे सिखाते हैं थाने ले जाके। ले चलो इसे। लड़कियों को उस कचरे के बैग में सप्लाई किया करता था। करण के लोग आए, मुझसे कहा कि मैं उस्मान को ढूंढ निकालूं। मैंने पोलियो के बहाने सारे घरों को छानना शुरू किया। मेरे पास में बस उसकी तस्वीर थी। उस्मान का ठिकाना देखने के बाद मैंने उसी आदमी को, जो पहले भी आ चुका था, उससे मैंने उस्मान का पता बता दिया। ये आदमी ही मेरे और कनन के बीच बात होने का जरिया है। अब तुम हमारे लिए काम करोगे सुशांत। तुम्हारी डिग्री तो कैंसिल होगी, पर अगर हमारे साथ काम करोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी बच जाए। अब ये आदमी जो तुम्हारी बात कनन तक पहुंचाता है, ये जब भी आए तुम फौरन हमें बताओगे। ये है पोस्ट ऑफिस, इसके पास से कच्चा रास्ता जाता है। हम लोग यहाँ से जाएंगे और ये है पुलिस चौकी, इसे हम चारों तरफ से घेर लेंगे। अंदर जाने के दो रास्ते हैं, एक ये और एक ये। आधे इधर से जाएंगे और आधे इधर से। अब तक उन लोगों ने हमें घेरा था, अब हम उन्हें घेरेंगे। कल शाम के सूरज के साथ उनकी जिंदगी का सूरज भी ढल जाएगा। और मीरा, तुम मेरे साथ रहोगी। सुशांत, खड़ा, बात कर, उठा फोन।
हेलो, हाँ हाँ अभी आ रहे हो? हाँ ठीक है, हाँ इलाज कर रहा हूँ, हाँ मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। तापमान रात को 85 होगा और सुबह 23। 85-23? हाँ, मुझे जो लगा मैंने वो बोल दिया। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। ममीना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ आज ही, फिर शाम को हम तालाब से 8-10 मछलियाँ पकड़ेंगे और आज ही पका के खाएंगे। ए, ये क्या मछली खाना लगा रखा है? फटाफट दवा लो और निकलो यहाँ से, और भी काम है मुझे। ये एक एक गोली दिन में 2 बार। ठीक है। अच्छा, ममीना को तो कुछ भी नहीं हुआ था, पर मुझे समझ में नहीं आता कि आपने उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया। और वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, बुखार, मछली पकड़ना है, पकाना है, खाना है। मैडम आप ठीक तो है ना? जब से आप रक्सल्स के साथ थी, हमारी टीम चैन से नहीं बैठी। विक्रम, हमारी पूरी टीम ने बहुत बहादुरी के साथ कनन नाम के इस रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। थैंक यू, तुमने मेरे इशारे को बहुत अच्छा समझा था। बड़ा अच्छा था। तापमान के जरिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताना। सर, मुझे तो वो आइडिया तब आया था जब मैं ममीना को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेके गई थी। मुझे वहाँ पे उनका एक मैप दिख गया था। कनन इतना शातिर है, उसको पूरा इलाका रटा हुआ है और उसने अपना प्लान किसी को नहीं बताया था, सब कुछ उसके दिमाग में था। मछलियों की बात तो मैंने इसलिए की थी क्योंकि हम नदी के रास्ते आने वाले थे और 10 मछलियां मतलब 10 रक्सल। और सर, मीरा मैडम के साथ काम करते हुए मुझे इतना वक्त हो गया कि इनके दिए इशारे समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, और हम ही जानते थे कि इनके इशारे सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। गुड जॉब। थैंक यू सर। हम लोग तो उम्मीदें खो दिए थे। प्लीज प्लीज नहीं, आपने हमारी बेटी को बचा लिया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ममीना और बाकी की बच्चियों को बचाने के लिए मीरा अपनी जान पर खेल गई। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने कनन जैसे कुख्यात अपराधी का डटकर सामना किया। अब तक दुनिया से बचता आया कनन आखिरकार मीरा के फेंके हुए जाल में जा फंसा। इस केस में मीरा ने जिस बहादुरी से काम करते हुए बेकसूर बच्चों को बचाया, उसके लिए क्राइम पेट्रोल उन्हें सलाम करता है। कनन और उसका गिरोह पुलिस की हिरासत में है। उसके गिरोह से बचाई गई बच्चियों के लिए मीरा अब एक प्रेरणा स्रोत है। इस केस में हम सबके लिए सीख है कि गलत विचारधारा और विकृत मानसिकता के साथ अगर हम चाहें कि सारी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक दे तो यह असंभव है, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।